बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी करते हैं, लाखों बच्चे हैं जो फॉर्म भरते हैं, और उनमें से कुछ चंद लोगों का है जिनका सिलेक्शन हो पाता है। वो कौन है चंद लोग, वो ऐसा क्या करते हैं जिनसे उनका सिलेक्शन होता है? सबसे पहले मैं स्क्रीन पर आपके सामने एक फोटो लाया हूं। कुछ लोग इनको जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। इनका नाम है मारवन अट्टापट्टू। मारवन अट्टापट्टू है कौन? बड़ा अटपटा सा नाम है। पहली बार हम भी सुने तो बड़ा अजीब सा लगा, पर जब इनकी बारे में और इनकी कहानी और इनके विस्तार के बारे में सुने तो अचंभित रह गए। सुनाते हैं इनकी ही कहानी। अट्टापट्टू जब पहली बार श्रीलंका से टेस्ट सीरीज में खेलने के लिए पहुंचे तो फर्स्ट इनिंग खेली, बहुत धमाकेबाजी पारी रही, लेकिन इनका स्कोर रहा 0 और आउट हो गए। दूसरी स्टेज पर पहुंचे और सेकंड इनिंग में पहुंचे, और सेकंड इनिंग का जब खेलना शुरू हुआ तो बहुत धमाकेबाज फिर पारी रही और इनका फिर रन रहा 0, यानी 2 मैच खेले और 0 रन बनाए। 17 महीने के लिए टीम से बाहर रहे। 17 महीने के बाद इनके कोच ने इनको प्रयास करते देखा तो फिर से एक और मौका दिया। फिर पहुंचे मैच में और अब थर्ड इनिंग की पारी थी और थर्ड इनिंग को खेला, फिर से जबरदस्त मैच रहा, पर इनकी परफॉर्मेंस फिर से 0 पर रही। चौथा मैच खेलने का फिर मौका मिला, 1 रन बना पाए। 4 मैच खेले और 1 रन, फिर से टीम से बाहर हुए 21 महीने के लिए, और 21 महीने बाद टीम में फिर वापसी होती है और अब ये करियर का 5वां मैच खेलते हैं। जब ये 5वां मैच खेलते हैं तो फिर से धमाकेदार पारी हुई पर इनका फिर स्कोर रहा 0। 6वां मैच खेलते हैं, फिर से स्कोर रहा 0, टीम से 3 साल के लिए बाहर हो जाते हैं। जब 3 साल बाद, यानी जब 6 साल पूरे कंप्लीट कर लेते हैं और 6 साल में 6 मैच खेलते हैं और 6 मैचों में केवल 1 रन बनाने वाले अट्टापट्टू और अब वापसी करते हैं, और वापसी करने के बाद इतनी धमाकेदार पारी खेलते कि लगातार 16 सेंचुरी बनाते हैं। उन 16 सेंचुरी में 6 डबल सेंचुरी थी, इतिहास बना डाला। कुछ दिन के बाद ये महान प्लेयर में नाम जाने लगे और फिर बने ये श्रीलंका के कैप्टन। बार बार गिरकर भी ये मुकम्मल खड़े हैं, ये जिंदगी मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। अट्टापट्टू से सीखिए 6 साल कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के बाद, 6 साल 6 मैच खेलने के बाद केवल 1 रन बनाए पर हार कभी नहीं माने, और जब 6 साल बाद फिर मौका मिला तो टीम में आए और 16 सेंचुरी लगातार ठोके, और उनमें से 6 सेंचुरी ऐसी लगाए जिनमें दोहरा शतक लगाए, यानी 200 से ज्यादा रन बनाए। आपके जीवन में मैं यही सिखाने का प्रयास करता हूं हमेशा कि हार मत मानिए, या तो आप टाइम पास करिए या टाइम को खास करिए। आप अगर टाइम को खास करेंगे तो फिर टाइम पास करने की नौबत ही नहीं आएगी, ना ही फिर आप अदर चीजों में इन्वॉल्व होंगे, केवल करियर ओरिएंटेड रहेंगे। इसीलिए कभी भी, फिर मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, मेरा पहला ही क्वेश्चन था कि सर लाखों बच्चे और करोड़ों बच्चे रेलवे जैसे, आरआरबी जैसे, आईबीपीएस जैसे और एसबीआई जैसे एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, लेकिन चंद हजारों बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सिलेक्शन आप कभी हारने के लिए नहीं और जीतने के लिए भी नहीं, लेकिन सिलेक्ट होने के लिए लड़ते हैं। आपका भी सिलेक्शन होगा, इस जवाबदारी के साथ मैं आज इस वेबिनार को शुरू कर रहा हूं। आप सभी की परमिशन चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में जोरदार लिखें कि आप सभी तैयार हैं, और तैयार हैं अगर आप सफलता के उस सूत्र को जानने के लिए जिसको मैं बताने आपके लिए आया हूं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इसका फायदा सब लोग उठा पाए। जीवन में कभी नहीं हारना है, और हारेंगे भी कैसे, क्योंकि हमें जीतना बेहद आता है, और इस जीतने की चाहत को मैं हरेंद्र सिंह तोमर और भी बढ़ा दूंगा। चलते